गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अनुपम कुमार फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। टुडे आई एम टेलिंग अबाउट सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 11.1 व्हिच इज रिलेटेड टू सर्कल। तो इसका थ्योरी मैंने पहले ही दे चुका है, तो अब इसका थ्योरी जो पहले मैंने दिया हुआ है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे मैं आज सॉल्व करने जा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बचे हुए थे, अभी मैं चाहूँगा कि उसको डिस्कस करूँ। और उससे पहले मैं बता दूँ कि एक क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें सर्कल का रेडियस और सेंटर निकालना है। तो सेंटर और रेडियस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, जिस फॉर्मूला को मैंने पहले अप्लाई किया हुआ था, और वो फॉर्मूला था सेंटर इक्वल टू माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड रेडियस इक्वल टू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं सेंटर और रेडियस। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं है, ये फॉर्मूला मैं भूल गया हूँ, तो उस केस में, उस कंडीशन में हम कैसे निकाल पाएंगे? तो उसके लिए कुछ ट्रिक है, कुछ तरीका है जो जिसके माध्यम से हम निकाल सकते हैं। तो उस तरीके को हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, कि वो तरीका क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू जी। मान लेते हैं कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है सर्कल का, क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक साथ रखते हैं, सम स्पेस वाई स्क्वायर माइनस 8y एक साथ रखते हैं, माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर ठीक से लिखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 × 4 × y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस, जैसे a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ देखा जाए तो a की जगह पर क्या है, x 2ab। अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पे b के जगह पर 2 आ सकता है। अब हम क्या करते हैं कि 2 के स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ रहे हैं, इधर भी और राइट साइड में भी। तो 2 के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड किए, अब यहाँ पर क्या है y स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab यानी इसका मतलब ये हुआ कि b के जगह पर हमारे पास क्या है, 4 है। तो हम 4 का स्क्वायर इधर भी जोड़ रहे हैं और 4 का स्क्वायर इस साइड राइट साइड में भी जोड़ेंगे। अब हम इस चीज को देखें तो इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab। तो 2 × 2 × x ये 4x हो जाएगा, प्लस इसको हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक y माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे, y स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 2ab यानी 8y ये है। अब यहाँ पे माइनस 45 और राइट साइड में क्या है, 4 प्लस 16। इसको और अच्छा से लिखें अगर, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 45 विच इज 65। अब इसे और स्टैंडर्ड तरीके से लिखना है अगर, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 65 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 65 का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल का, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो एक्स वन के जगह पर क्या है हमारे पास 2, वाई वन के जगह पर क्या है 4, और आर रेडियस के जगह पर क्या है रूट अंडर 65। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेंटर जो होगा हमारा, सेंटर इक्वल टू क्या होता है एक्स वन कॉमा वाई वन विच इज 2 और 4, यानी सेंटर का वैल्यू हो जाएगा 2 कॉमा 4 एंड रेडियस
रेडियस इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 65। तो ये भी एक तरीका है जिसके माध्यम से हम सेंटर और रेडियस किसी भी सर्कल का निकाल सकते हैं आसानी से। तो इसको ध्यान से देख लेंगे। एक्चुअली है क्या, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो कि 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा, और ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के माध्यम से इसको और इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर पाए हैं, उसको सॉर्ट किए हैं। तो इस तरह से हमारे पास सेंटर और रेडियस आसानी से निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन है 14 नंबर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इक्वेशन निकालना है किसी सर्कल का वो सेंटर इज 2.2, जिसका सेंटर क्या है 2.2 है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4.5। ये मान लेते हैं सर्कल है कोई, ये पास कर रहा कहाँ से 4.5 से, और यहाँ पे 2.2 ये सेंटर हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक सेंटर चाहिए और दूसरा रेडियस चाहिए। तो सेंटर तो हमारे पास है, अब रेडियस कैसे निकलेगा। इस दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दिया जाए, अगर इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए सेंटर और सर्कल के बीच का, तो ये डिस्टेंस क्या होगा रेडियस होगा। इस तरह से हम रेडियस आर निकाल सकते हैं। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 4-2 का होल स्क्वायर प्लस 5-2 का होल स्क्वायर, 4-2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4+9, इट मीन्स रूट अंडर 13। तो इस तरह से हमारे पास रेडियस का वैल्यू आ चुका है। रेडियस क्या है हमारे पास रूट अंडर 13, और सेंटर तो दिया हुआ है। तो सेंटर अगर हमारे पास 2.2 है, तो इस तरह से इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन बराबर x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो रूट अंडर 13 का स्क्वायर किया जाए। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4-4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4-4y इज इक्वल टू 13। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x-4y-5 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली 4+4 8, 8-13 क्या होगा -5 होगा, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से इसका इक्वेशन निकल जाएगा, ये सर्कल का इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 14। अब इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है एनसीईआरटी में, वो है क्वेश्चन नंबर 15। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई पॉइंट दिया गया है -2.5, 3.5। अब ये इस सर्कल के इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा या ऑन द सर्कल होगा, ये हमें पता करना है, यानी चेक करके बताना है कि यह जो गिवन पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर होगा या सर्कल के अंदर होगा या सर्कल के बाहर होगा। तो जैसा कि इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, इसका मतलब ये हुआ कि यह जो सर्कल है वो ओरिजिन उसका सेंटर होगा। इसका सेंटर क्या होगा ओरिजिन होगा, और इसका रेडियस क्या है 5 यूनिट है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर -2.5 एक्स के प्लेस पे रखेंगे, 3.5 y के प्लेस पे रखेंगे। अगर वो 25 से कम हुआ तो हम समझेंगे कि ये इनसाइड ऑफ द सर्कल है, अगर ये 25 से ज़्यादा होता है तो हम समझेंगे कि आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, अगर ये 25 के इक्वल होगा तो हम क्या समझेंगे कि ये ऑन द सर्कल है। तो हमारे पास जैसा कि इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, चेक करते हैं, चेक फॉर पॉइंट -2.5, 3.5, ये हो जाएगा -2.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, यानी ये चेक करना है। अगर इसका किया जाए तो ये हो जाएगा 6.25 प्लस 3.5 को जब कैलकुलेट करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 12.25। अब इस दोनों को अगर ऐड किया जाए तो आई थिंक ये होना चाहिए 18.5। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये 18.50 है विच इज लेस देन 5 यूनिट। यहाँ पे क्या है ये 5 से बड़ा है ना, ये सर्कल का जो रेडियस होगा वो 5 से बड़ा है, यानी अगर यहाँ पे देखा जाए तो 25 और ये रहा 18.5, तो 18.5 इज लेस देन 25, यानी हम कह सकते हैं कि 18.5 इज लेस देन 25, सो द पॉइंट लाइज इनसाइड
द सर्कल। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो पॉइंट होगा वो सर्कल के भीतर पाया जाएगा, यानी सर्कल के अंदर ही होगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हमने डील किया है इस एक्सरसाइज में। अब हम इलिप्स की ओर जाएंगे, क्योंकि हमने पाराबोला पढ़ा चुका है पहले ही, और सर्किल था ये, अब उसके बाद इलिप्स देखेंगे। जब इलिप्स खत्म हो जाएगा मेरा, तब उसके बाद हाइपरबोला देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।